तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, बट इसको मैं बेसिकली 2019 में ही बनाने वाला था, बट मेरे को ये इस टाइप का वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। एंड एक्चुअली ये टेक वीडियो नहीं है, ये थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ रिलेटेड वीडियो आप बोल सकते हो। तो अगर आप टेक रिलेटेड सोच के आए हो तो यार आप मतलब वीडियो को क्विट कर सकते हो, यहीं से छोड़ के आप जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्ट हो पर्सनल लाइफ में, थोड़ी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स वगैरह में, तो ये उससे रिलेटेड वीडियो है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आपने नोटिस किया है, बेसिकली मैंने 2019 में कुछ खास किया नहीं है यूट्यूब पे, ना ही अपने पर्सनल लाइफ पे। मैं यूट्यूब पे ही ज़्यादा रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहा था, कभी हफ्ते में एक वीडियो, तो कभी अगर टाइम मिलता था, कुछ कुछ हफ्ते होते थे जहाँ पर मैं हफ्ते में 3 वीडियोज डाल देता था। बट ज़्यादातर मैं एक्सक्यूज बनाते रह रहा था कि भाई ये चलते हफ्ता में एक वीडियो जा रहा है, तो कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कभी ये, मतलब 10 किस्म के एक्सक्यूज़ तो मैंने बना रखी है जिसके चलते मैं रेगुलर वीडियोस नहीं कर रहा था। एंड इसके चलते काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है मेरी पर्सनल लाइफ पे भी, और जो यूट्यूब के चैनल है उस पे भी। तो इसका एक रीज़न है, मतलब असल में बोलो तो, सही बोलो तो, मतलब एक्चुअल में फटी पड़ी है लाइफ की। मतलब जो मेरा दोस्त है नीतीश, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि मतलब क्या हो रखा है अभी भी, मतलब कितना लेवल का फटा पड़ा है मेरा, मतलब किस लेवल से मैं पास हो रहा हूँ और किस लिए मैं ये वीडियोस नहीं डाल पा रहा रेगुलर, क्या चीज़ें हैं। एंड नीतीश के साथ हम लोगों ने मतलब मिलके एक चैनल भी खोला था क्रिएटर कॉच बोल के, जहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने सोचा था कि भाई दूसरे क्रिएटर्स की हेल्पफुल रिलेटेड वीडियो डालेंगे, जो कि मतलब यूट्यूब पे कोई नहीं करता, सब टाइम पास करते, मतलब बेसिकली सब यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आते हैं। जिसको पैसे कमाना नहीं होता वो अपना चैनल मोनिटाइज ही नहीं करता, संदीप महेश्वरी का एग्जाम्पल ले लो, बट उसके वाला तो इसके अलावा सबको पैसे कमाने, फेम कमाने। बट हम लोगों ने वो वाला चैनल खोला था ताकि हम एक्चुअल मतलब सही में कि हम जो बिगिनर क्रिएटर है उनको हेल्प करें, जो कि हम लोग फेस करते हैं, जो बाकी जो मतलब क्रिएटर्स होते हैं बड़े बड़े, वो लोग मतलब ये करो वो करो, बट हम लोग उससे अलग जो रियल फैक्ट है वो शेयर करने वाले थे। और इतना मतलब बिजी था, इतना लाइफ ख़राब चल रही थी 2019 में कि उस चैनल में हम लोगों ने बस एक वीडियो डाल पाया। मतलब अभी तक 3-4 महीने हो गए होंगे शायद, उन्होंने बस एक वीडियो कराया। तो मेन चैनल जो मेरा है नीतीश का, उसका नीतीश गेमिंग भी है, प्लस नीतीश जैन बोल के उसका टेक चैनल भी है, और मेरा ये मेन चैनल है बेसिकली टैकी लेंस। तो इसमें तो मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ, और नीतीश खुद अपनी गेमिंग में, कभी गेमिंग में कंटिन्यू करता तो उसका टेक छूट जाता था, बट उसका कभी टेक में कंटिन्यू करता तो अभी उसका गेमिंग छूट रहा है। तो मतलब हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और एक्चुअल में अभी ये मतलब फैक्ट है, सब लोगों की फटती है लाइफ में, मेरी फटी रखी है, अभी भी फट रखी है बहुत गंदी तरीके से। एंड अगर आप सोच रहे हो कि भाई नेगेटिविटी फैला रहा है, तो नेगेटिविटी नहीं है एक्चुअल में, ये बस मतलब सत्य है, आप बोल सकते हो लाइफ का जीते हुए वाला डायलॉग, कि मतलब ऐसा मोमेंट है लाइफ में हर किसी का आता है, जहाँ पर मतलब तुम्हारे साथ बिल्कुल कोई नहीं, दोस्त यार प्यार रिश्तेदार बिल्कुल कोई नहीं रहेगा, तुम मतलब भयंकर तरीके से जो बोलते हैं अकेले हो जाते हो। एंड इसको तुम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते कि भाई ये दिक्कत है मेरी, तुम किसी के सामने जाके रो भी नहीं सकते कि ऐसा हो रखा है मेरे लाइफ के साथ, ये हो रहा है, मैं क्या करूँ, लड़का है रो रहा है, ये बोलेंगे लोग। तो मतलब बेसिकली ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हर किसी के लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है, फिलहाल तो मेरी, मैंने फेस करते आ रहा हूँ 4-5-6 महीने से, बट आई होप ये ख़त्म हो रही है लाइफ धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम। तो इस बार से जो 2020 से मैं मतलब फुल अपना यूट्यूब पे जो टाइम देने की कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस लाने की, ना कोई गैप, ना ही कोई, हर दिन एक वीडियो लाने की। 2019 पे मैंने जो कुछ भी किया है, जैसा वैसा भी, जैसा तैसा घिसा पिटा लाइफ गया है, वो सबको मतलब एक सपने की तरह भुलाकर जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ 2020 में, मैं बस आप लोगों को सपोर्ट चाहता हूँ। एंड हैप्पी न्यू ईयर, मतलब ये मैंने विश भी नहीं करा, बस पोस्ट डाली थी और पिछले वाले वीडियो में वैसे भी विश भी कर दिया था। तो ये आज 1 तारीख है, आज वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे तरफ से भी आप लोगों और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी न्यू ईयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ यार, मतलब आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, जो कमेंट आप लोग देते हो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, मतलब एक्चुअल में बेस्ट मोटिवेशन वही है मेरे लिए। अगर आप कमेंट वगैरह करते हो तो वो देख के काफ़ी खुशी लगती है, एंड उसी को देख के वीडियो को बनाने का मन भी करता है। तो ऐसे में तो मैं मतलब बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ और वीडियो कितना लंबा बन रहा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बस मैंने सेट करके ये बोले जा रहा हूँ। तो बेसिकली यही बोलना चाहता था कि लाइफ में हर किसी के मतलब अप डाउन्स होते हैं, बट किसी किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, मतलब
एक डायलॉग है जाकिर खान का, बेसिकली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने कहा था कि मतलब ये मेरा लो है लेकिन मैं इसको लोवेस्ट होने नहीं दूंगा। तो बेसिकली मैंने भी ये सोच के हर चीज़ मतलब दिन दिन जैसे तैसे मैंने वीडियो बनाई है और जैसे मैनेज करके मैंने सब कुछ मैनेज करा है, और मैंने उसको मतलब लो था मेरा बट मैंने उसको लोवेस्ट होने तो अभी तक दिया नहीं है। आई होप मतलब अभी तो मेरे को लग रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स जो है अभी के लिए सारे निपट चुके हैं, लगभग जितने मेरे 100% प्रॉब्लम थे उनमें से 70% मैंने ख़त्म कर ही दिया है, अगर आप मतलब मैं बोल सकता हूँ बेसिकली 70% ख़त्म कर ही दिया है। बस 30% तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, तो ये 30% प्रॉब्लम्स के साथ मैं 100% देने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पे और अपने एक्चुअल लाइफ पे भी। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब आपकी लाइफ की बस फटी पड़ी है या फिर आपका कुछ सही नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं यार, मतलब तुम सोच रहे हो तुम्हारी लाइफ की फटी पड़ी है, अगर तुम सामने वाले देखो उसकी तो और बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है। तो हर किसी की लाइफ में अप डाउन होते हैं, बस ये लाइफ का मतलब नियम है बोल सकते हो, ये जो सत्य है यही हर चीज़ लाइफ सभी के साथ ये हर चीज़ होता है। तो यार वंस अगेन इतना इस वीडियो के लिए, और मेरी तरफ से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपनी लाइफ के लिए, आप जो चीज़ भी कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो, एंड मेरी तो यही है आप लोगों के लिए विशेष रहेंगी। और या सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, ये तो बस थोड़ी बहुत पर्सनल रिलेटेड वीडियो थी, आज के लिए इतना था, बाय बाय, टेक केयर।